राजधानी देहरादून में मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। दरअसल सीएम धामी की सख्ती के बाद 4 दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद है, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बता दें कि सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट की तलब की है। इसके तहत ही आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का युद्ध स्तर पर प्रयास लगातार किया जा रहा है, जल्द ही बंद सड़कों को भी खोल दिया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चार धाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी दो तीन घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चार धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है, बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चार धाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक सुचारू।